सुशांत सिंह मामले में एक तरफ जहां अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं, वहीं सुशांत सिंह मौत प्रकरण पर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक जमकर राजनीति हो रही है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और शिवसेना मुखपत्र सामना अखबार की कार्यकारी संपादक संजय राउत ने सुशांत के परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सुशांत के पिता के सिंह ने दो शादियां की थी, जिसकी वजह से सुशांत अपने पिता से नाराज था। सूत्रों के अनुसार शिवसेना नेता संजय राउत ने सवालों के जवाब देते हुए कहा, परिवार की मांग क्या है मुझे नहीं पता, मैं भी संवेदनशील आदमी हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझसे कोई चूक हुई है तो माफी मांगने के बारे में सोचूंगा, मुझे आरोप देखना पड़ेगा, मेरे पास जो जानकारी है उस आधार पर बोला है, जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है उसके आधार पर वो बिहार से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार में संजय राउत के बयान के बाद उन पर मानहानि का केस करने की बात की है, जिस पर संजय राउत ने जवाब देते हुए कहा, परिवार ने नोटिस दिया यह मुझे मालूम नहीं है, मुंबई में इतना काम पड़ा है, अभी हमारे पास 50 से 100 नोटिस आते रहते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा, सुशांत केस से सरकार के अस्थिर होने का सवाल नहीं है, ऐसे केस से अगर सरकार अस्थिर होती तो केंद्र सरकार पर पहले एक खतरा है, मुंबई पुलिस सक्षम है उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर, अगर किसी ने प्रयास किया तो उन्हें सद्बुद्धि मिले, सुशांत को न्याय मिले। जानकारी सूत्र एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त हुई है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।